मेरा एचयूएल का प्यूरेट आर ओ वही मैंने 2 साल पहले अमेजोन से ऑनलाइन ख़रीदा था, और इसमें इसका पानी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, इसलिए मैंने मंगाया था। ये मॉडल केवल ऑनलाइन ही मिलता है, आपको रिटेल में दुकान पर किसी पर नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा। इसके साथ ये फ़िल्टर आया था, हमारे यहाँ पानी का फिल्टर है, सॉरी पानी का, हमारे यहाँ जो TDS है, तो पानी का हमारे यहाँ TDS करीब 1200-1300 पानी का TDS आता है, और हमारे यहाँ पानी का pH भी लगभग 5.5-6 के आसपास pH है, तो एसिडिक है पानी, तो नुकसान तो करता ही है। बाकी अभी इसमें एक बार फिल्टर सारे चेंज कराओ तो करीब 4500 रुपये का खर्चा आ जाता है, और साल में जो हैवी TDS होने की वजह से 2 बार फिल्टर इसके चेंज हो जाते हैं, करीब 9000 एक साल का ऐसा खर्चा आता है फिल्टर चेंज होने का, तो काफ़ी मैं परेशान भी हो गया था। तो HUL में कांटेक्ट किया था तो वहाँ 4500 रुपये का पड़ता था, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं। और अभी पानी इसका जब फ्लो कम हो गया तो मैंने फिर कॉल किया इंजीनियर को, तो उसने बताया कि आपकी मेम्ब्रेन चौक हो गई है, अभी 5 महीने हुए थे, बता दिया मेम्ब्रेन चौक हो गई है। हालांकि मेम्ब्रेन चौक फिर नहीं निकली, मैंने फिर इसको ओपन किया अपने आप से, मैंने बार बार इंजीनियर को तो नहीं बुलाऊंगा, मैंने अपना बैठ के ओपन कर लिया और YouTube पे सर्च किया था, तो YouTube पे मुझे एक चैनल मिला RO टेक्निकल एक्सपर्ट के नाम से, तो RO टेक्निकल एक्सपर्ट चैनल मैंने वहाँ से देखा, काफ़ी कुछ जानकारी मिली, फिर मैंने सर का नंबर लिया वहाँ से, सर को फ़ोन किया, दिल्ली के हैं सर, तो उनको फ़ोन किया, उनसे काफ़ी नॉलेज मिली, तो उन्होंने बताया कि आप पहले उसको उसमें SV होता है एक, और एक स्विच और होता है, कि आप उससे पहले पानी का फ्लो देखो कहाँ से पानी का फ्लो लॉस हो रहा। तो मैंने देखा कि मेम्ब्रेन तक तो पानी आ ही रहा था, उसके बाद जब ट्रेस करते हुए गए तो पानी का फ्लो मुझे SV में कम मिला, तो मुझे ये SV दी, मैंने सर को इसकी फ़ोटो भेजी, तो सर ने मुझे एक दूसरी SV भेज दी करीब 250 रुपये की, और कंपनी से वो SV मुझे पड़ रही थी 450 रुपये की, तो करीब 50% का यही लगभग लगभग फ़र्क हो गया जाके। तो मैं लेकिन मैंने सर से उस टाइम अपने सारे फ़िल्टर भी मंगवा लिए, कोरियर चार्ज पड़ेगा, तो मैंने जब एक चीज़ के लिए अगर सारी चीज़ें मंगा लो, तो सर से मुझे ये UF मिल गया, मिनरल मिल गया, ये मेम्ब्रेन भी मंगा ली थी एडवांस में, कार्बन है, और 2 सेडिमेंट फिल्टर भी मंगा लिए थे, और सर से मैंने फिर TDS भी मंगाया, मैंने कहा TDS का भी मीटर सर मुझे चाहिए, और सर ने एक ये बायो प्लस का मुझे pH वाला ड्रॉप भी दिया, तो मैंने पानी का pH भी अपनी चेक करते हैं, और फिर सर ने एक मुझे एक ये कार्ट्रेज दी है जिंक कॉपर वाटर फिल्टर, इसमें आप देख सकते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये बायो प्लस की है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने फिर चेक किया तो पानी का TDS तो हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा था, pH चेक किया, देखो आपके सामने भी करता हूँ, मैंने ये फ़िल्टर आज ही लगाया है, ये बायो प्लस का जो फ़िल्टर आपको दिखाया, अब ये देखो मेरा बिना बायो प्लस फ़िल्टर का पानी है, 1 2 3 4 5 6, अभी देखिए 6 ड्रॉप मैंने इसमें डाली और 6 ड्रॉप इसमें डालता हूँ, 1 2 3 4 में ये पर्पल कलर आ गया, ज़्यादा डालना ही नहीं पड़ा। अब देखो इसको मैं मिला देता हूँ, ऐसे उंगली से मिला देता हूँ, इसको देखिए, अब इसको आपको कलर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, अब आप ये देखिए कलर इसका, ये देखिए ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है, और आप इसका कलर देखिए, ये पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर आया है, मैंने जब सर की ये कार्टेज लगाई है तो उसने 2 पॉइंट pH बढ़ा दिया, और पानी हमारा एस्टिक से डायरेक्टली अल्कलाइन हो गया, तो इस मुझे इसका बेनिफिट मिला काफ़ी, तो मैं मुझे अच्छा लगा ये चीज़, और सर से मैंने कार्टेज भी मंगा ली थी, अब ये कार्टेज लगाएंगे, अब ये तो हमारा SV ख़राब था तो SV चेंज कर लिया, और इसके बाद ये कार्टेज जब ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम आएगी तब कार्टेज हम चेंज कर लेंगे। और बाकी सर ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, सर से फ़ोन पे भी बात हुई, व्हाट्सएप पे भी सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो हर तरीके से सर ने सपोर्ट किया, जब फ़ोन करते हैं तब सर ने फ़ोन रिसीव किया और काफ़ी हेल्प की, और ये पूरा मैंने RO अपने घर पे खुद से ही खोला है और खुद से ही पूरा कंप्लीट कर लिया, बना लिया, थोड़ी सी बस मुझसे गलती हो गई, मैंने सर को ऑन ऑफ वाल्व के लिए बोला था तो सर ने ऑन ऑफ वाल्व ये भेजा, और मुझे पता नहीं था यहाँ ट्यूटी लगती, ट्यूटी बोलते हैं उसको, तो हालांकि मेरी गलती से आ गया वो, तो मुझे चाहिए इसलिए था बार बार।